See, one of the biggest challenges we all know we are facing is infrastructure. We always talk about the support sectors. The support sectors to retail is logistics, transportation, cold chain, storage, warehousing. These sort of support sectors need to still get a lot more encouragement and incentives. The finance minister has to come out with a policy or a sizable amount of allocation to these sectors, without which retail sector will not grow. I think everybody knows about this. It's only a matter of time that these sectors have their power, have the fuel to grow, and hence we're just waiting for us to get to that situation and level which will help all the retail companies. मेरा नाम रेणुका नागपाल है और मैं डायरेक्टर ऑफ पंजाब हूँ फैशन फील्ड से और मैं अब खुद का स्टूडियो रन करती हूँ रेणुकाज मेकओवर की तरफ से और मैं आज का जो हमारा ये टॉपिक है कि वित्त मंत्री जो एक महिला है वो बजट पेश करने जा रही हैं तो मेरी उनसे यही गुजारिश होगी कि अगर मैं अपने प्रोफेशन को लेके बोलती हूँ कि जो भी हम मेकअप का सामान है हम बाहर आउट ऑफ इंडिया से मंगवाते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत सस्ती हैं और यहाँ पर वही चीज़ आते आते उसके रेट जो हैं वो डबल हो जाते हैं तो मेरी एक उनसे यही गुजारिश होगी कि उन रेट्स को जो वहाँ पर अवेलेबिलिटी है वही हमें यहाँ पर टैक्स वगैरह कट के चीज़ें मिले और दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी जो घरेलू फीमेल्स हैं उनका जो घर का काम है किचन का काम है उसके जो जितना भी बजट लेडीज़ को एक चाहिए होता है घर खर्च के किचन को मेंटेन करने के लिए उसमें रेट को कम करा जाए ताकि वो अपनी लाइफ को ईजिली और अपने परिवार को ईजिली अपना बिजनेस है यान एक्सपोर्ट्स का मैं अपने हस्बैंड के साथ उसी काम को आगे लेके जा रही हूँ सो, हमें दिल्ली में यही है कि जो कॉटन हम एक्सपोर्ट करते हैं लास्ट फ्यू ईयर से थोड़ा सा उसका एक्सपोर्ट कम हुआ है कॉटन का तो रेट्स एंड ऑल टैक्सेस अकॉर्डिंगली थोड़े से कम होने चाहिए सो दैट इंडिया में कॉटन एक्सपोर्ट बढ़े अदरवाइज़ वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद अवर फाइनेंस मिनिस्टर मिसिस निर्मला सीतारमन बहुत अच्छी लेडी हैं पहले वो डिफेंस में थी और अब वो जो उन्होंने ये फाइनेंस का लिया है हमें पता है कि वो बहुत अच्छे से उसको संभाल सकते मैं सिंपल हाउसवाइफ हूँ मैं यही चाहती हूँ कि जो जीएसटी लगी हुई है हर चीज़ पे जीएसटी लगी हुई है वो कम होनी चाहिए 28% और 18% वाला स्लैब कम होना चाहिए पेट्रोल डीजल पे जीएसटी लगनी चाहिए और घर की जो सारी चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए क्योंकि महिलाओं ने किचन में ही काम करना है और किचन का सारा काम उनके हाथ में है वो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए मेरा नाम रतिका मैनी है और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ लेक्चरर हूँ मेरा मांग है कि जो हमारे स्कूल के बच्चों के ट्यूशन के चार्जेस होते हैं स्कूल ट्यूशन चार्ज है कॉपीज़ हैं बुक्स हैं उनके ऊपर जो टैरिफ्स हैं वो थोड़े कम होते जाएं और जितना हो सके प्राइमरी लेवल ऑफ जो स्कूल है गवर्नमेंट के उनके ऊपर काम किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा और जो टैक्सेस आते हैं जो स्कूल एजुकेशनल टैक्स है उसके ऊपर कम से कम काम हो क्योंकि एज ए प्रोफेशन मेरे को लगता है कि ये डिमांड है बच्चों की ताकि जो लोअर लेवल के बच्चे हैं जैसे गांव से आ रहे हैं कहीं से वो और आगे पढ़ सकते होंगे ठीक मेरा नाम वसुंधरा है
और मैं वैसे तो एक हाउसवाइफ हूँ, बट अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुई हूँ, तो समझती हूँ कि आजकल हमारे देश को क्या चाहिए। मैं महिला वित्त मंत्री से ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले 5 सालों में बहुत नीचे आई है, 5.8% पे आई है, तो जो नॉर्मल एक इंसान है उसके हाथ में इतनी इनकम नहीं है कि वो इतना टैक्स या GST जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो दे सके, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की भी ग्रोथ बहुत नीचे जा रही है। तो मेरी ये प्रार्थना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ किया जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कुछ किया जाए कि नॉर्मल आदमी के हाथ में इतनी इनकम हो कि वो अपना घर बार अच्छे से चला सके। मेरा नाम आंचल ढींगरा है और मैं वैरायटी ऑफ आइटम्स में डील करती हूँ, प्लेटर्स, पर्सेस, वॉलेट्स, आई हैव वैरायटी ऑफ आइटम्स एंड बेसिकली एक्सपोर्ट आइटम्स ऑल्सो। सो मैं एक ही मांग रखती हूँ कि जो बेसिक नेसेसिटी है जो लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए उस पर थोड़ा GST कम होना चाहिए, और जो फॉरेक्स एक्सचेंज पे जो हमें टैक्सेस पड़ते हैं जैसे मनी ट्रांसफ़र करते हैं उस पे भी हमें एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ता है, तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि फॉरेक्स एक्सचेंज पे जो हमें टैक्स लग रहा है वो थोड़ा कम हो, ताकि हमें भी थोड़ा इजी हो ना कि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हमारी भी थोड़ा हम इजीली हम को। तो महिला वित्त मंत्री है तो क्या क्या अपेक्षा की जा सकती है उनसे? उनसे बहुत उम्मीदें हैं हमें कि वे खुद वुमेन एम्पावरमेंट पे, सोशल सिक्योरिटी पे काफ़ी हद तक फोकस कर सकते हैं, और जो एक आम महिला के जो डेली रूटीन के लाइफस्टाइल में कंप्लाइंसेस हैं, भले वो पारिवारिक हैं भले वो सोशल हैं, तो उन पे भी काफ़ी हद तक ध्यान दे सकते हैं। और किस तरह क्या आप चाहते हैं GST को लेकर, जैसे कि पिछली बार माना गया था गब्बर सिंह टैक्स है, तो क्या कहना चाहेंगे GST पर? क्या GST में कोई राहत मिलनी चाहिए कि नहीं? GST में सबसे बड़ी राहत ही यह होनी चाहिए कि जो क्लस्टर ऑफ रिटर्न है, महीने में दो दो तीन तीन जो रिटर्न जाती है, अगर वो किसी प्रकार से क्वार्टरली पे चली जाए या हाफ ईयरली पे चली जाए, जिसमें कि रिटर्न तो गवर्नमेंट का पार्ट है, व्यापारी का पार्ट नहीं है, बिजनेस का पार्ट नहीं, बिजनेस का पार्ट तो सेल एंड परचेज और डेली रूटीन में बिजनेस करना है, तो उनको बिजनेस करने में काफ़ी हद तक ग्रीन इनिशिएटिव्स और बेटरमेंट मिल सकती है। तो उसमें क्या है कि उनका स्ट्रेस लेवल जो हर महीने का रिटर्न्स का जो रहता है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होगा, जिससे वह खुल के व्यापार कर सकते हैं। मैं डॉक्टर गगन हूँ, आई एम फ्रॉम लुधियाना, और मैं यहाँ से 10 ईयर्स से अपना क्लिनिक रन कर रही हूँ बाय द नेम गगन डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक। देश की वित्त मंत्री से आप क्या मांग करना चाहती हैं, क्या है आपकी मांग? मेरी खुद की तो कोई मांग नहीं है, मैं चाहती हूँ सारे देश की तरक्की हो, तो आई वुड डेफिनेटली डिमांड दिस कि वो एक मिडिल क्लास और सैलरीड पीपल के लिए कुछ अच्छा करें, जिससे कि इकोनॉमी इन ओवरऑल ग्रो कर सके। बिकॉज एक बीइंग अ लेडी आई कैन अंडरस्टैंड दैट शी इज़ दी फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, तो मुझे बहुत ही आशाएं हैं, मेरी तरह सभी लेडीज़ को बहुत आशाएं होंगी, बिजनेसमैन मिडिल क्लास के बहुत ज़्यादा होप्स हैं, वो सबके होप पूरे करें सो दैट शी लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एवरीबडी। थैंक यू।